कैसे साफ सफाई मैंने आप मेंटेन करती हैं, मतलब क्या करती हैं जब बनाती हैं तो उस समय खाना पीना पर भी परहेज रहता है, क्या रहता है? यहाँ पर दिखा दे रहा कि जुट्ठा कुट्ठा नियम धर्म से पानी, नियम धर्म से मट्टी पाक होता है, शुद्ध होता है। हम लोग मट्टी का चीज में देखिए कितना सुई दवा ले लेके बहुत घर तो बहुत दूर बना रहे हैं। घर में कुछ बाल बच्चा अलग है, खाना बना अलग है, हम लोग कनिया में अलग है चूल्हा के लिए। बहुत तो शुद्ध उपवास रह करके भी बनाती हैं क्या जी? आप उपवास रह करके ये सारा चीज बनाती हैं, खाती हैं? तब जाके खाते हैं, 2 बजे 2:30 बजे खाते हैं, उसको बाद फिर नहा धो के आते फिर बनाते हैं। दिन भर नहाबे करते वही तो सुई दवाई पड़ता है। छठ के बाद मच्छी गिजना बहुत ठंडा मच्छी होता है। तो बड़ा मेंटेन करना पड़ता होगा साफ सफाई, बहुत साफ सफाई का मेंटेन करना होगा। दिन भर तो आते हैं कैमरे वाला वीडियो वाला देख रहे हैं कि कितना साफ सफाई है, घर के बाहर कितना बना रहे हैं दूर दूर में। आदमी से नहीं डरेगा भैया, बस बस एक जगह कर लेगा। मन में कैसा रहता है कि आप हिंदू पर्व है और आप लोग मुस्लिम जाति से आती हैं तो बनाती हैं तो कितना बिजनेस है? बिजनेस में हिंदू करा चाहे मुसलमान करा, भगवान सबके एक ही है। भगवान एक है, भगवान के लिए डर है, आदमी से नहीं। आदमी तो अंधा गंदा आपका दे रहे खाए के लिए, हम क्या खा रहे? भगवान तो जान रहा है सबको आत्मा में कि क्या कर रहा मेरे लिए, उसके लिए तो शुद्ध बना रहे हैं। 1000 बिजनेस करेंगे पैसा कमावे, फिर भी अपना तरफ से शुद्ध अपना कर रहे हैं नियम धर्म से। बढ़िया से देख लीजिए जुट्ठा कुट्ठा अट्टी मट्टी शुद्ध है। भूखे प्यासे अभी मुँह पर पानी न धरे, चाय न पिए, जाएंगे तो चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, जाएंगे तो मुँह बड़ा सुरेश करेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर 1-2 घंटा में लोटा पानी धरते हैं देव पर, फिर आते हैं। 3 भर में तो 4 गो कपड़ा चेंज करते नहला नहला के, कोई दिन भींगे ला गई है तो ठंड लग गया है। चूल्हा बनाने का काम कब से आप लोग कर रही हैं, इसके पीछे क्या आप लोग का ये है मोटो है? देखिए पहले तो बुढ़वा बुढ़िया करते थे, मेरा 20 साल उम्र था तब बुढ़िया के साथ बनाते थे चूल्हा। अब 20 साल में अब हो गया मेरा 60 बरस 40 साल से आप बना रहे हैं जी? हाँ 60 बरस हो गया अब तो, 60 बरस से बना रहे हैं। अब चूल्हा का देखिए सब त्योहार से ही महान होता है। मेरा उमेदा खातून नाम है, मगर इसका नेम जानते हैं कि इसका नेम में क्या है नहीं है, सब त्योहार से महान है। हाँ इसमें जुट्ठा कुट्ठा नेम टेम से बनाते हैं, और इसमें हिंदू और मुसलमान के नहीं देखता है कि हाँ कस्टमर नहीं सोचता कि हम ये चूल्हा नहीं लेंगे। मेरा चूल्हा जितना सब बनाता है सब मुस्लिम बनाता है, मगर सब सेल हो जाता है। एक चूल्हा हाजीपुर चल जाता है, समस्तीपुर चल जाता है, बड़ी दूर दूर। एगो तो 2 गो चूल्हा ले गए हैं, 10 गो विदेश का उगाड़ी चाहे हैं, कहे कि इस खूबसूरती देख के ले जाते हैं, देखते हैं उन्हें दिखावेंगे। आप कितना इसमें निम मैंने आप कितना इस शुद्धता को लेकर के कितना आप अपने आप को ठीक रखती है कि किसी तरह से छठ पर्व जो है शुद्धता से मने शुद्धता से इसका नेम टेम जानते हैं, इसमें कोई जुट्ठा कुट्ठा ना अपना पाक साग मैंने कोई चीज जुट्ठा कुट्ठा ना मीट मछली नहीं खाएं, जब से चूल्हा बनाना सबसे चूल्हा बनाते हैं। आई मट्टी पटना में नहीं मिलता है, पुनपुन दन्ने से लाते हैं चौड़ का खेत में से केवाला, और गेहूँ का भूसा रहता है बक्कू लाते हैं, फिर वही बना लेते हैं नेम टेम से इसका सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। जी हाँ आई बेच लेते हैं तो फिर फल फूल समिति बाजार से ला के नारियल हुआ केला हुआ केतारी हुआ ये सब बना रहे हैं। यहाँ भारत में जात पात नहीं दे, मेरा चूल्हा कभी नहीं रहे, इतने चूल्हा नहीं है, सब ले गया कहाँ कहाँ व्यापारी का। अभी ऑर्डर मांग रहा है कि 200 दीजिए तो कहाँ से ला, मैं जितना हिम्मत रहेगा उतने न बनावेंगे। आप ये क्या कर रहे हैं? चूल्हा बन रहा है। किस लिए? छठ पूजा के लिए।
छठ पूजा जो है स्वच्छता शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और आप इसको बना रही हैं, तो ये आप किस धर्म से आती हैं? सब धर्म से रहते हैं। अभी लोग का आपका नाम क्या हुआ? हमारा फूलों खातू निसरत नाम। निसरत खातू। तो आप ये चूल्हा कब से बना रही हैं? अब नहीं सर, 20 बरस से बना रहे हैं। पहले सास बनाता था। आपके मैंने ये पैटर्नल मतलब पारिवारिक चूल्हा बनाने का धंधा है? हाँ, अरे ब्लॉक से भी लोग का बनते थे, हुए से बना रहे हैं। पहले सास बनाता था, अब हम भी लोग बनावे लगे। हिंदू का पर्व है, आप लोग चूल्हा बना रहे हैं? हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, सब तो एक ही है, धर्म अपना अपना है। हाँ, हिंदू और मुसलमान अपने लोग न समझते, धर्म अपना का। हमने लोग का सुपल होगा तो हमने लोग न कर सकते हैं, हमने लोग न करते हैं। हम ये लोग करते हैं बाल बच्चा के लिए। हाँ, हमने लोग करते हैं बाल बच्चा के अथी रहता है, उसको देवा से सुपल हो जाता है तो हम भी चढ़ा देते हैं सूप। हिंदू और मुस्लिम का बात कौन है, धर्म अपना अपना है। लोग लेते हैं ये जानते हुए कि आप बना रही हैं, तो ये चूल्हा लेने आते हैं लोग? हाँ, सब आते हैं। आप कितना इस शुद्धता का ये प्रतीक माना जाता है छठ, शुद्धता कितना इसमें बरकरार रखती है इस बर्तन को बनाने में? कैसे घर से अलग होकर के, घर से अलग होकर बनाते हैं कि तब रोड पर बनाते हैं? शुद्धि के लिए न बनाते है, साफे सफेद की गुण रोड पर बनता है, जूठा कूटा डेम डेम से बनता है, तब वही से रोड पर बनावल जाता है, मैदान में बनता है कि घर में बनेगा चूल्हा। साफ सफाई का कैसे ध्यान रखते? बहुत बढ़िया साफ सफाई करते हैं। मिट्टी है, छठ पूजा का पर्व त्योहार का दिन है, जूठे कुट्ठे नहीं को बाल बच्चा के सबके दूर भगल रहते हैं, मीट मछली भी नहीं खा रहे हैं, छठ के बाद खाते हैं। दो धर्म में डर लगता है हम लोग का। डर क्यों लगता है? आपके धर्म का तो ये पर्व नहीं ना, धर्म का तो वही डर लगता है कि भाई सब शुद्ध देवी देवता से सोचते हैं कि बहुत ही नियम टेम से होता है सब पर, इसी डर से करते हैं, डर जोगा जोगा के। क्या क्या करना पड़ता है शुद्धता के लिए छठ पूजा में? हाँ, ये चूल्हा बनाने में, चूल्हा बनाने में क्या क्या करते हैं? जब मिट्टी लाते हैं, कुट्टी लाते हैं, पानी देते हैं, सानते हैं, इसमें ईटा लगा के तैयारी करते हैं। या चूल्हा जब टूट फूट गया, जब जोर जोर रहे, देखिए रहे कैसन हो रहा है, चिकना रहे। आप लोग भी छठ पर्व करती हैं क्या? छठ हम लोग करते थे, दादी हमको करते, हम नहीं छठ कभी किए हैं, दादी हमरे करते थे। तो हिंदू का पर्व है, आप लोग क्यों करती हैं? अब क्यों ना, कुछ क्या गच्छल होगा, पूरा होगा होगा तो करा होगा दादी, अब तो दादी गुजर गया है, तब कौन करेगा? हम लोग गौर पढ़ते हैं, सब नहीं जानते, हम नहीं करेंगे। आप कितने सालों से कर रहे हैं? क्या आपका माता पिता भी यही करते थे क्या? हाँ, माता पिता भी यही करते थे। जब से हम होश में आए, जवानी हुआ ना, जब से हम लोग बनाने लगे, बनाने के बाद में हम लोग का चूल्हा हर जगह जाने लगे, पटने नहीं, पटना से बाहर भी जाने लगा, समझे? तो ये जो है, आप लोग कितने लगभग परिवार इस चूल्हे के काम में लगे हुए हैं, अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से कम से कम यहाँ से लेकर सतपटान रोटा के 100 आदमी के लगभग है, 100 बनाने वाला। जी हाँ, सब परिवार में है, सब निजी आदमी है, कोई भतीजे हुआ, कोई साले हुआ, कोई भाई हुआ, सब अपने परिवार हैं। क्या आपके पूर्वज जो आपके माता पिता क्या बताए कि ये तो छठ पर्व जो हिंदू पर्व है? हाँ। और आप लोग दूसरे कुल से हैं। हाँ। तो क्या बताया कि चूल्हा क्यों बनाना शुरू किए, काहे किए? समझे, काहे किए कि इससे हम लोग का प्रॉफिट है, इसमें अच्छी जात पात नहीं देखा जाता। हम लोग का सोचे कि बनावेंगे तो इससे हमको फायदा होगा तो हम लोग का बाल बच्चा का पेट भरेगा, इसीलिए उसी के बाद में हम लोग क्या काम करते हैं कि बाल बच्चा के ऐसे बेच बात के जो होता है। इतिहास क्या है आपका, पारिवारिक इतिहास कहा जाए तो आपके माँ बाबू जी क्या बताते थे कि चूल्हा क्यों बना रहे हैं? नहीं, ये तो माँ बाप तो गुजर गए, माँ बाप क्या कहेंगे, चाहे हम ही बाल बच्चा क्या कहेंगे कि सब नहीं, हम लोग बाल बच्चा के पढ़ाना लिखाना करते हैं, पोता हुआ, पोती हुआ, छोटा छोटा बाल बच्चा हुआ, हम लोग का पढ़ाना लिखाना करते हैं। ABP News आपको रखे आगे।